हे हिमालयंस, क्या हाल चाल है। तो दोस्तों, अभी रिसेंटली मार्च के ही महीने में सैमसंग के गैलेक्सी M31 के लिए हमें एक नया अपडेट देखने को मिला था, जिसके साथ आई थिंक One UI 3.1 का जो अपडेट था वो भी अपडेट किया गया था। लेकिन अभी रिसेंटली सैमसंग के M31 के लिए ही एक महीने के अंदर अंदर दूसरा सॉफ्टवेयर अपडेट हमें यहाँ पर देखने को मिल गया है। तो इस अपडेट के साथ बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स हमें देखने को मिली हैं। और हाँ, सैमसंग ने इस बार अपने One UI 3.1 अपडेट के बाद ये जो अपडेट आया है तो इसमें काफ़ी ज़्यादा काम किया है। कैमरा और परफॉर्मेंस, मेनली ये चीज़ें यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरह से इम्प्रूव की गई हैं। देखिए, जो इस अपडेट का साइज़ है वो है 548.26 MB, और इससे पहले का जो वर्जन था, यानी कि जो मार्च के महीने के स्टार्टिंग में One UI 3.1 का अपडेट मिला था, तो उसका वर्जन आई थिंक C1 था। तो ये जो वर्जन है C6 या C8 कुछ इस तरह का वर्जन है, तो बिल्कुल ही इससे ये चीज़ जो है डिफ्रेंशिएट हो जाती है। और इसके साथ जो सिक्योरिटी पैच है तो वो भी हमें लेटेस्टली मार्च का ही देखने को मिला था। हालांकि जब One UI 3.1 का अपडेट आया था तो उसके साथ भी हमें मार्च का ही सिक्योरिटी पैच देखने को मिला था। अब यहाँ पर दोस्तों बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट सैमसंग ने अपने इस अपडेट के साथ की है, क्योंकि इस चीज़ से हमें ये चीज़ तो भाई पता चल ही जाती है कि One UI 3.1 का एक ये ऑप्टिमाइजेशन अपडेट है। इसका मतलब ये हुआ कि One UI 3.1 के साथ जो कमियां हमें सैमसंग के M31 में देखने को मिली थी वो इसके साथ यहाँ पर पूरी होती हुई देखने को मिल गई हैं। सबसे पहले तो इसमें डिवाइस की जो स्टेबिलिटी है उसको इम्प्रूव किया गया है, यानी कि जो आपका डिवाइस है वो और स्टेबल हो गया है। जो परफॉर्मेंस मिलेगी आपको वो बिल्कुल अच्छी मिलने वाली है, और इसी के साथ जो बग्स थे तो बग्स भी यहाँ पर कुछ फिक्स किए गए हैं। तो हाँ, जो ओवरऑल परफॉर्मेंस होगी उसमें आपको काफ़ी स्मूथनेस देखने को मिलने वाली है। इसी के साथ ही जो एनहांस्ड फीचर्स हैं वो भी आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। हालांकि यहाँ पर सैमसंग ने चेंज लॉग में किसी भी तरह का कोई फीचर मेनली हाईलाइट नहीं किया है, लेकिन यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि न्यू और एनहांस्ड फीचर्स, तो जो फीचर्स हैं वो नए लाए गए हैं और जो फीचर्स पहले थे तो उनको और बेहतर बनाया गया है। यानी कि आप सिंपल भाषा में समझ लीजिए कि इन्हें ऑप्टिमाइज किया गया है। इसके बाद जो परफॉर्मेंस है उसमें भी हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिली है, जो कि डिवाइस की स्टेबिलिटी में ही हमें देखने को मिल जाती है। और इसके बाद जो कैमरा है उसमें भी सैमसंग ने काफी अच्छी तरह से इंप्रूवमेंट की हुई है। आप जानते हैं सैमसंग One UI 3.1 के साथ कैमरा में हमें कुछ नए नए फीचर्स देखने को मिले हैं। जैसा कि हमने सैमसंग M31S के इस अपडेट का रिव्यू किया था तो उसमें हमने देखा था कि जो पोर्ट्रेट मोड है वो भी एक रीनेम करके नया ऐड किया है, और उसी के साथ जो डुअल माइक सपोर्ट है वो भी हमें सैमसंग के कैमरा में देखने को मिला है। तो हाँ, ये जो कैमरा की स्टेबिलिटी है इसको सैमसंग ने यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरह से इम्प्रूव किया है। बाकी आप तक बहुत जल्द ये अपडेट पहुँचने वाला है, अभी एक दिन ही इस अपडेट को रिलीज़ हुआ है और आपको थोड़ा सा वेट करना है, बहुत जल्द आपके स्मार्टफोन में ये अपडेट पहुंच जाएगा। बाकी आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि इस अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या क्या नए चेंजेस आपके M31 में देखने को मिले हैं। दोस्तों, बस यही थी एक छोटी सी इंफॉर्मेशन सैमसंग के M31 की। अगर इस तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोस चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर सकते हैं, गिव अवे में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और ऐसे शानदार वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।